भारत का मिशन चंद्रयान 3 अंजाम तक जा पहुंचा है। 140 करोड़ भारतीयों ने इस सपने को साकार होते हुए देखा। इसरो की इस उपलब्धि पर खुशियों और भावनाओं का ऐसा सैलाब उमड़ा, पूरब हो या पश्चिम, ये देख लीजिए आप तस्वीर, हर जगह की एक तस्वीर आपको दिखाई देगी। हर तरफ जय हो का उद्घोष गूंज उठा। 9 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आप देश के 9 राज्यों में चंद्रयान की सफलता का जश्न इस वक्त देख रहे हैं। कहीं तिरंगे लहराते हुए आपको नजर आएंगे तो कहीं पर भारत माता की जय का नारा बुलंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। हर तरफ चंद्रयान 3 की सफलता की खुशी का समागम है। अब आपको चलिए कोलकाता की हम तस्वीरें दिखा दें। ये अलग अलग 9 राज्यों की तस्वीर आपने देखी और ये आप अब देखिए कोलकाता की तस्वीर है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का जश्न यहाँ पर किस तरीके से मनाया गया, ढोल नगाड़ों की थाप पर। जैसे ही चंद्रयान ने चांद की सतह को छुआ, लोगों ने एक दूसरे को बधाई देनी शुरू कर दी। ढोल नगाड़े वहां पर बजे, लोगों ने डांस करना शुरू कर दिया, नाचना गाना शुरू किया और आतिशबाजी भी लोग करते हुए दिखाई दिए। कोलकाता के बाद अब आगे बढ़ते हैं, आपको इंदौर की तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। इसरो की इस कामयाबी पर देश भर में जश्न है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी लोगों ने जश्न मनाया, भारत माता की जय के नारे लगाए और देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। ये देखिए आप तिरंगे किस तरीके से लहराते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान लोगों ने वहां पर आतिशबाजी की, पटाखे फोड़े, नारेबाजी की। बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हमें कह सकते अब आइए यूपी के इटावा की तस्वीर आपको दिखाने हम जा रहे हैं। चंदा मामा दूर के पहले ये कहा जाता था, लेकिन चंदा मामा अब बस एक टूर के हैं। पीएम मोदी ने जैसे कहा, इटावा की तस्वीर दिखा रहे हैं। 23 अगस्त काफी ऐतिहासिक रहा, कल का दिन चंद्रयान 3 ने इतिहास रचते हुए चांद की सतह पर लैंडिंग की और इटावा में वैज्ञानिक अंकुर गुप्ता के घर पर किस तरीके से जश्न मनाया गया, उनके माता पिता को लोग किस तरीके से मिठाई खिला रहे हैं, किस तरीके से आतिशबाजी हो रही है। जैसे ही चंद्रयान 3 चांद पर उतरा, वैज्ञानिक अंकुर के परिवार जश्न में डूब गए। परिवारजन, परिवार के और लोग, नाते रिश्तेदार सभी झूमते गाते दिखाई दिए। हालात ऐसे बने कि उनके पिता भी भावुक हो गए। इस वक्त का सबको इंतजार था, वो वक्त आ गया और वो जो सफलता हाथ थी, वो एक बार भारत को एक बड़ी सफलता हाथ मिली है। जिस तरह से चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होने के बाद जश्न पूरे देश में मन रहा है और विश्व में भारत का डंका पुज रहा है। मैं आज इस समय इटावा में हूँ। इटावा में डॉक्टर अंकुर गुप्ता, जो इसरो में वैज्ञानिक हैं और इस मिशन में हैं, उनका पूरा परिवार आप देख सकते हैं और ये गांव के लोग हैं, व्यापार मंडल के हैं। क्योंकि वैज्ञानिक जो हैं अंकुर, इनके पिताजी भी व्यापारी हैं, तो व्यापारी लोग भी हैं। हर पूरे इस पूरे गांव के लोग, जितने व्यापारी हैं, सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। हर किसी के चेहरे पर बस मुस्कुराहट है और बड़ा जश्न मनाने की तैयारी है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अंकुर के पापा से पूछता हूँ। बाबूजी, ये बताइए कि जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि चंद्रयान की तृतीय की सफल लैंडिंग हुई है, क्या क्या किस तरह की खुशियाँ? हम लोगों को बहुत खुशी है। मिठाइयाँ भी बांटेंगे और आतिशबाजी चलाएंगे और सब लोग बच्चे लोग डांस भी करेंगे। आप माँ हैं, माँ किस तरह से देख रही? बहुत गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है कि हमारे भारत का नाम ऊँचा किया है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद ये जिस तरह का नजारा है, हर किसी के हाथ में आप देख सकते हैं, लड्डू, हाथों में लड्डू लेकर बाकायदा बांट रहे हैं और लड्डू और पेड़े, जिस तरह से आप पेड़े देख सकते हैं, ये यहाँ के मेन पेड़े हैं। इन पेड़े को लेकर हाथ में झंडा लिए हर कोई आज भारत माता की जय कह रहा है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जिस तरह से लगातार हो रहा है और माला लगातार डाली जा रही है और लोग एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं और जश्न में सराबोर हैं। हर कोई किसी को मिठाई खिलाना चाहता है, जिसका नज़ारा आप देख सकते हैं। कैमरामैन अमोल कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, एबीपी न्यूज, इटावा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।